स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर भारतीय बोर्ड में एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कोरोना महामारी के कारण बहुत दिनों से हमारी क्लास रेगुलर हो नहीं पाई है, उसके लिए हम ये क्षमा चाहते हैं। स्कूलें भी खुली नहीं है, ना ही अभी स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपने 10th-12th के कोर्स में 40% जो कोर्स कम करने की बात कही है वो कम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन कौन से चैप्टर होंगे, कौन कौन से कम होंगे, कौन से हटाए जाएंगे, कौन से लगाए जाएंगे, उसके बारे में भी स्थिति हमारे पास स्पष्ट नहीं है। तो हमारे को भी कंफ्यूज है कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, तो उसके आधार पर हम पूरी क्लास ले नहीं पाए हैं। फिर भी कुछ जनरल नॉलेज की बातें जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आज जो टॉपिक है कक्षा 10 का विज्ञान का, वो स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया पाठ नंबर जो 6 है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। 4 या 5 नंबर का ये पार्ट है, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझने से पहले हम किसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो है वो प्रतिदिन घटती रहती है, जिसमें पदार्थ जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो ये जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके परिभाषाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वे भौतिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, आकार वगैरह, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं बदलते। रासायनिक जो गुण है उनमें परिवर्तन नहीं होता है ना। इसके अलावा जैसे जल है H2O, जल ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है। जैसे बर्फ होती है, बर्फ को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो द्रव पानी में आ जाता है, उसको और गर्म करते हैं तो वाष्प में आ जाता है, वाष्प को वापस ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है, द्रव को वापस ठंडा करते हैं तो वो बर्फ के अंदर बदल जाता है। ये रूप एक ही है इनका ठंडा करने पर। तो इससे क्या होता है कि ये भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुण सेम है, इसके पानी के रासायनिक गुण सेम है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है कि केवल भौतिक गुणों में अथवा जैसे रंग है, अवस्था है, आकार है, इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। गंध है वो परिवर्तन का कारण हटाने पर, अगर पदार्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, उस कारण को हटा देते हैं तो पदार्थ अपने पहले वाली स्थिति में वापस आ जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। इसके अलावा इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन हो गए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या किसी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना तो क्या बन जाता है, CO2। कोयले का दहन करना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये जो कार्बन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और रासायनिक क्रिया द्वारा नया पदार्थ बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसको वापस, इस CO2 से वापस जो कार्बन है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये परिवर्तन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसके अलावा दूध से दही जमना, इसके अलावा सब्जी खराब होना या लोहे पे जंग लगना, ये सब परिवर्तन किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन।
के रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है कि जैसे ये स्थायी होता है तो ये क्या होगा परिवर्तन स्थायी होगा, इसके रासायनिक इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है पदार्थ का, रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन क्या होता है पूर्णतः बदल जाता है, और ये जो पदार्थ होता है इसमें ये पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते, ये परिवर्तन स्थायी होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो नॉर्मली हमारे को समझ में आ रहे हैं। एक नया टॉपिक ये जो हो गया। अब देखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से हम उनको समझते हैं। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके अणुसूत्रों के रूप में लिखना, जैसे अभी हमने लिखा था कार्बन, एक तो कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको अणुसूत्रों के रूप में जैसे कार्बन का अणुसूत्र सी, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड सी हो, तो इस प्रकार से यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीकों के रूप में, अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सी प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी प्लस ओ टू सी ओ टू हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के चरण, अब इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, ये जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक, और जो अभिकारकों से बनता है उसको या तो कहते हैं उत्पाद या कहते हैं क्रियाफल, क्या कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल, आया समझ में। इसके बाद में हम इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं और जो क्रिया कारक होते हैं अभिक्रिया की दिशा बताते हैं, तीर के निशान के दाएं तरफ, ये दाएं तरफ दाएं तरफ उत्पाद लिखा जाता है और बाएं तरफ क्या लिखा जाता है हम अभिकारकों को लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ चरण है, चरणों के अनुसार कुछ चरण है, चरणों के अनुसार हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए समीकरण सबसे पहले क्रियाकारकों तीर के निशान के तीर का निशान लगाया जाता है क्रियाकारक को लेकर के, यानी पहले तो क्रियाकारक लिखते हैं फिर बीच में तीर का निशान लगाते हैं और फिर उत्पाद लिखते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर, अगर क्रियाकारक या उत्पाद दोनों में संख्या से एक से अधिक है तो बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे इसमें ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, या तो क्रियाकारक का हो या उत्पाद का हो ये संख्या एक से ज्यादा हो तो उसमें क्या करते हैं बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान बनता है, ना ही वो नष्ट होता है, अतः संख्या क्या होनी चाहिए दोनों की समान, जैसे सी यहाँ पर एक है यहाँ एक है, ओ टू दो है ओ टू दो है, तो इस प्रकार से क्योंकि ये एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार ये होता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किनका होना चाहिए उत्पादों का होना चाहिए, अर्थात ना तो द्रव्यमानों का नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है अभिक्रिया कैसे भी संपन्न हो। इसके अलावा चरण हो गए, चौथा चरण है दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा कर, अगर मान लो समीकरण असंतुलित है अगर तो उसको बढ़ा चढ़ा करके कम करके या ज्यादा करके कैसे भी करके उसको क्या कर सकते हैं संतुलित कहते हैं। रासायनिक समीक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या किया जाता है उनको संतुलित किया जाता है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं कंकाली समीकरण, क्या कहते हैं कंकाली समीकरण, और अनुमान विधि के द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा उसको हम क्या करते हैं संतुलित करते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणु में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणु को संतुलित, अगर मान लो किसी रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तीसरा कोई तत्व भी है तो उनमें इनको छोड़ते हैं पहले इनको छोड़ करके पहले उन उत्पादों को संतुलित करते हैं जो इनके अलावा और है, समझ गए। जैसे इसमें है एक अभिकरण है C3H8 का मतलब हो गया प्रोपेन और O2 ऑक्सीजन, अब इससे क्या बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया H2, ये बन गया।
अब इसमें समीकरण संतुलित है या नहीं इसके बारे में हम सोचते हैं। C3H8, H8 नहीं H2 है, C3 केवल C है, O2 केवल O2 तो O3 हो गया है ना। तो अब क्या करते हैं, पहले C की संख्या को हम संतुलित करते हैं, पहले क्या करते हैं C की संख्या को संतुलित करते हैं, बाद में O को करेंगे, H की संख्या को संतुलित करेंगे, फिर O की संख्या को संतुलित करेंगे। तो देखो पहले C की संख्या, इधर अभी कारकों में C कितने हैं, तीन, और इधर कितने हैं, कुछ नहीं एक है। तो अब क्या करते हैं सी थ्री एच एड प्लस O2, इसको ऐसा कैसा रखता है, अब इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं आगे तीन लगा देते हैं, आगे तीन लगा देते हैं। तो देखो तीन सी हो गया, इधर भी सी तीन है, समझ गए। तो सी क्या हो गया बराबर, कार्बन जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन जो हमने के जो तीन लगाया है, ये जो तीन लगाया है वो इन दोनों के लिए, सी और ओ दोनों के लिए मान्य होगा, इनके लिए मान्य नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह आ चुका है। अगर चिन्ह नहीं है तो वो दोनों के लिए मान्य, अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है सी ओ टू के बीच में, तो ये C के लिए भी मान्य होगा और O के लिए भी मान्य होगा। तो C तो बराबर हो गया, अब H को बराबर करते हैं, तो H कितना हो गया, H 8 है, इधर H 2 है, तो H को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, बराबर कीजिए इसको, ऐसा कैसा लिख लीजिए H को, तो ये क्या होगा 4H2, क्योंकि ये संख्या दोनों क्या होगी गुणा होगी, ये संख्या क्या होगी गुणा, तो 4 गुणा 8 इधर भी 8, सी और एच बराबर, सी और एच बराबर हो गया। अब ओ टू को देखो, O2 है इधर, इधर O कितने हो गए, ये तीन गुणा होगा, तीन गुणा होगा, तीन गुणा छह तो ये हो गया, और चार हो गया, दस हो गया, दस हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पांच कर देते हैं, क्या कर देते हैं पांच कर देते हैं, तो पांच गुना क्या हो जाएगा, पांच गुना क्या हो जाएगा दस। अब देखो सी थ्री, सी थ्री कंप्लीट, एच एट, एच एट, और फाइव ओ टू, पांच गुना दस, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया तीन गुना छह, छह तो यहाँ हो गया वो, और चार ये हो गए, तो हो गया दस। तो इस प्रकार से हम समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं, इस प्रकार से हमारे को समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। समीकरण को संतुलित करने के पश्चात जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था को भी हम दर्शाते हैं, भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए उनके साथ कोष्टक में, इनके साथ में कोष्टक में क्या क्या दर्शाते हैं, या तो एस या एल या जी या एक्यू, ऐसा दर्शा देते हैं। S का मतलब तो हो गया सोलिड यानी ठोस, L का मतलब हो गया लिक्विड यानी कि द्रव, गैस के लिए हो गया जी, और अगर मान लीजिए कोई जलीय विलयन हो, जलीय विलयन हो है ना, जिसमें जल भी मिला होगा, तो उसके लिए एक्विलेरेशन मिला देते हैं, एक्विलेरेशन एक्यू, समझ गए। तो अवस्था लिख देते हैं, जैसे कार्बन की अवस्था होती है कार्बन की सोलिड, कार्बन और ऑक्सीजन गैस, तो CO2 जो बनती है वो गैस बनती है, तो उसके आगे हम क्या कर देते हैं जी लगा देते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात अगर अभिक्रिया एक दिशा में हो रही है, अभिक्रिया एक दिशा में हो रही है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, और दोनों दिशाओं में होती है तो इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। अभिक्रिया जिसको दोनों दिशाओं में होती है उसको उत्क्रमणीय कहते हैं, एक दिशा में होती है उसको अनुत्क्रमणीय कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेम्परेचर निश्चित कोई टेम्परेचर दे रखा हो तो तीन दिशा के ऊपर उसका टेम्परेचर दे देते हैं, जैसे 773 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 773 केल्विन। या इसके अलावा जैसे कोई ऊर्जा है, ऊर्जा निकल के लास्ट में हम उसमें लिख रहे हैं, तो कोई मात्रा दे रखी हो तो वो लास्ट में हम लिख देते हैं। अगर कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक काम में आ रहा है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए अगर कोई उत्प्रेरक काम में आ रहा है तो वो भी तीन के निशान के ऊपर हम लिख देते हैं, जैसे Ni है, NO है, मोलिब्डेनम या निकल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। तो आ गया समझ में, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित भी हम कर सकते हैं। अगर आपको इस समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप हमें इसको आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर रेस्पॉन्स दीजिए, बताइए कमेंट में लिख के हमको बताइए कि रासायनिक समीकरण समझ में आया या नहीं, तो हम इस पे दोबारा एक अलग से वीडियो आपको बना करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब रासायनिक समीकरण की जो विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं होती है रासायनिक समीकरण की, विशेषताएं क्या विशेषताएं हो सकती है रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी मिलती है, संक्षिप्त जानकारी की अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है, तो संक्षिप्त जानकारी मिलती है। एक तो हमें क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, जैसे अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में वो संपूर्ण जानकारी मिलती है।
और दूसरा भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा रासायनिक क्रिया की जो आवश्यक परिस्थितियां है जैसे ताप दाब उत्प्रेरक, इनके बारे में पता चलता है कि ताप कितना है, दाब लग रहा है नहीं लग रहा है, उत्प्रेरक कौन सा काम में आ रहा है उनके बारे में पता चलता है। अब अभिक्रिया के बारे में, ऊष्मा अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है उनके बारे में पता चलता है, ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है उनके बारे में हमको पता चलता है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी मिलती है कि वो रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में कंप्लीट हो गई या दोनों दिशाओं में कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं क्या है, क्या किस कंट्रोल में वो रहती है, किस प्रकार उसकी लिमिट होती है, कि क्या ये तो क्या होता है कि ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। रासायनिक संक्रमण वो अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है उनके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी नहीं देता। इसके अलावा इसमें क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पेसिफिक, अभिक्रिया की जो सांद्रता है या उसके बारे में, कंसंट्रेशन कितना है और सांद्रता कितनी है उसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी मिलती नहीं मिलती, तो इसके बारे में भी हमको लिमिट में रहना पड़ता है समीकरण के अंदर। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या क्या हमको देखना पड़ता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होना, यानी दो पदार्थों के मिलने या कम होने से जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद और अभिकारक जो होते हैं उनके उनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे एक समीकरण है Mg+O2, तो क्या बनता है MgO, तो इसमें क्या होता है 2 Mg, इसको संतुलित करते हैं तो इस प्रकार हम संतुलित कर देते हैं कि संतुलित करना जरूरी होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब देखो इनमें द्रव्यमान कैसे संग्रहित, जैसे यह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम 12 नंबर पे, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है 12 नंबर पे, तो 12 20 का कितना द्रव्यमान कितना होगा 25, द्रव्यमान डबल होता है तो 24 हो गया, 2 × 24 48, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 32 ही हो गया। अब इसमें आप इतना देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 × 16 और ऑक्सीजन सॉरी 2 मैग्नीशियम है तो वही 24 × 48 और ये भी है तो बराबर हो जाएगा है ना। इसके अलावा जैसे एक समीकरण है C+O2 इक्वल टू क्या हो गया CO2, तो इसमें कार्बन का होता है 12, द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16 तो 2 का कितना हो गया 32 है ना, 2 × 16 इधर कितना हो गया 16 + 2 = 32, समझ गए, 16 + 2 = 16, 12 + सॉरी कार्बन का हो गया 12 और ये 2 है O2 तो 2 × 16 तो वो हो जाएगा 32 और 12 प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने के बाद जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य जो बंध होता है उनके टूटने या निबंधों का निर्माण होता है, अभिकारकों के संयोग करना, अभिकारक जुड़ रहे हैं, बंधों के टूटने या बनने के जो वेग है उसका प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जैसे मुख्यतः तो कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन सी कितने प्रकार की होती है, जैसे पहला है संयुग्मन अभिक्रिया जिसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया नंबर एक। नंबर दो है अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय है यानी वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो है वो तीन प्रकार की होती है, तीन, एक तो होती है ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया, एक होती है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया और एक होती है तापीय अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरी जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर
चार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया चार। नंबर जो पांच है विस्थापन द्विविस्थापन हो गया। नेक्स्ट जो है छह नंबर की वो होती है मंद व तीव्र अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रिया, मंद यानी धीरे, तीव्र यानी तेज, मंद या तीव्र अभिक्रिया। नंबर जो छह है वो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नंबर जो सात है वो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। एक है अपचयन, इसी से संबंधित है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब इसके भी अलग अलग प्रकार है ऑक्सीकरण का, जैसे हाइड्रोजन के संयोग वियोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार पर, ऋण विद्युत तत्वों के संयोग वियोजन के आधार पर, धन विद्युत तत्वों के संयोग वियोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, है ना। तो ये है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इनके अलग अलग प्रकार है। इसके अलावा एक है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और नंबर 10 जो लास्ट है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह है 10 अभिक्रियाएं हैं, संयुग्मन अपघटनीय, विस्थापन द्विविस्थापन, मंद उत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स ऑक्सीकरण। इनकी नॉर्मल में जानकारी आपको पहले दे देता हूं, फिर बाद में हम इनको विस्तार से समझेंगे। संयुग्मन पहला है संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब संयोजन यानी जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना यानी इसमें क्या होंगे पदार्थ जो तत्व है वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, समझ गए। नॉर्मली जैसे CO2 C+O2 तो क्या हो गया CO2। अपघटनीय में क्या होगा अपघटन यानी वियोजन, वी का मतलब होता अलग होना, यानी इसमें क्या होगा पदार्थ अलग होंगे टूटेंगे, अपघटन का मतलब है टूटना। जैसे CO2 सॉरी H2O है उसको तोड़ेंगे तो H2+O2 है ना, अपघटनीय अभिक्रिया। या HBr तो H अभी अलग अलग होती है ऊष्मा, ऊष्मा के कारण टूटना, पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो वो टूट जाए। जैसे गर्म प्रकाश से अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाश के कारण प्रकाश के कारण वो गर्म होकर के टूट रहा है, तापीय अपघटन ताप बढ़ने से टूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे अपघटनीय अभिक्रिया, है ना, टूट के दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाना अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन, विस्थापन यानी अलग होना, विस्थापन का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा विस्थापित करेगा, क्या करेगा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करेगा, अलग करेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्यों क्यों करेगा, जैसे कोई एक शक्तिशाली है, जैसे मान लीजिए एक हिरण की लड़ाई हाथी से हो रही है, हिरण की लड़ाई हाथी से हो रही है तो उसमें जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा, हाथी उस हिरण को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो इसी प्रकार इसमें होता है कि एक शक्तिशाली जो तत्व होता है वो अपने से कम शक्तिशाली तत्व को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह संयोग कर लेता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें तो क्या एक पदार्थ का विस्थापन होता है और द्विविस्थापन क्या होता है कि आयन का आदान प्रदान होता है, जो दो तत्व का में आ रहे दो तत्व संयोग कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, वो उसकी जगह वो उसकी जगह एक दूसरे की जगह ले लेते हैं और विस्थापित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है मंद व तीव्र अभिक्रिया, मंद यानी धीरे, मतलब कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको होने में जिनको पूरा होने में कई घंटे लग जाए, दिन लग जाए, साल लग जाए तो उसको मंद अभिक्रिया कहते हैं, धीरे धीरे होना, जैसे लोहे पे जंग लगना कई साल में लगती है कई दिनों में लगती है तो मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपर्क में दो पदार्थ संपर्क में आते ही क्या कर ले अभिक्रिया करे तुरंत तुरंत रिएक्शन दर्शाते बहुत कम समय में। जैसे एक HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है, उसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं NOH जो प्रबल क्षार उससे क्रिया करवाते हैं, तो वो संपर्क में आते ही क्या कर लेते हैं क्रिया कर लेते हैं, उससे क्या बनाते हैं नमक और जल बनाते हैं, तो वो होती है तीव्र अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है केवल एक दिशा है दो सॉरी दोनों दिशाओं में होती है ना, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाएं करके उत्पाद बनाते हैं, पहले तो उत्पाद बनाते हैं उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में अगर हम उत्पाद से अभिकारक बनाना करें तो वो भी हो सकता है, यानी दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है,
उत्क्रमण का मतलब है ऐसी क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है उसको उत्क्रमण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एन टू प्लस एच टू इज इक्वल टू थ्री एन एच थ्री है ना, तो उससे हम वापस एन एच टू एच टू बना सकते हैं। और अनुत्क्रमण अभिक्रिया जिससे केवल अभिक्रिया से केवल उत्पाद बने और उत्पाद से वापस अभिक्रिया उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बने तो उसे कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो अभिक्रिया केवल क्या होती है एक दिशा में ही संपन्न होती है, क्या होती है एक दिशा में ही संपन्न होती है उसे हम क्या कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे ये वाली सी प्लस होती है उल्टी सी होती है इसे कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ये कार्बन नहीं बनता तो वो क्या हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी नॉर्मली हम इसकी परिभाषा बोल देते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अभी कई प्रकार के होती है जैसे ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन की क्या होती है वृद्धि होती है अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे ये वाला उदाहरण है एम जी प्लस ओटू वाला जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई थी वृद्धि। और एक होता है हाइड्रोजन के संयोग वियोजन के आधार पर, इसमें अभी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की क्या होगी कमी होगी तो ऑक्सीकरण में क्या हाइड्रोजन की कमी होती है अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसके अलावा विद्युतधनी तत्वों के संयोग वियोजन के आधार पर जिसमें विद्युतधनी तत्वों का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण में विद्युतधनी तत्व निकलते हैं अलग हो जाते हैं है ना तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण, और इसमें विद्युतधनी तत्व जुड़ते हैं या संयोग होते हैं तो वो अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा विद्युत ऋणी तत्व अब इसका उल्टा हो गया, इसमें विद्युत ऋणी तत्व निष्कासित हुए थे तो इसमें ऋणी विद्युत तत्व क्या करेंगे संयोग करेंगे जोड़ेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व क्या करेंगे संयोग करेंगे और अपचयन में विद्युत ऋणी तत्व क्या करेंगे निष्कासित होंगे अलग होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है जिनमें तत्व या अणु जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं अलग इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं अलग करते हैं तो उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए उसे क्या कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे जिसमें ये दोनों विक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों विक्रिया कौन सी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीजन की कमी भी हो और वृद्धि भी हो तो उसे क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। समझिए जैसे जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं, जैसे एक उदाहरण जैसे जेड एन प्लस सी यू एसओ जिंक और कॉपर सल्फेट इसकी क्रिया करवाई तो क्या बना जेड एन एसओ फोर प्लस सी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि अधिक विक्रियाशील है कम विक्रियाशील है तो इसने क्या कर दिया इसको विस्थापित कर दिया अलग कर दिया तो एक तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा ये रेडॉक्स अभिक्रिया का क्योंकि देखो ये जेड एन है अभिक्रिया होने के बाद में इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है वृद्धि ऑक्सीकरण की वृद्धि हो रही है तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये सी यू एस ओ फोर है इसमें अभिक्रिया होने के बाद में क्या हो गई ऑक्सीजन की कमी तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो रही है साथ साथ हो रही है। समझ रहे दोनों साथ साथ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट टॉपिक है उदासीनीकरण का जिसमें क्या होता है अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाते हैं, एक अम्ल को एक क्षार परस्पर क्रिया करवाते तो वो दोनों एक दूसरे के गुण को क्या कर्ष कर देते नष्ट कर देते उदासीन हो जाते हैं तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH तो क्या बना NaCl प्लस SO2। ये एक उदाहरण किसका हो गया तीव्र अभिक्रिया का भी हो गया और उदासीनीकरण का भी हो गया क्योंकि उदासीन लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण कर देते हैं तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। समझ गए। तो ये अभिक्रियाओं के कुछ नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली विस्तार है, इसका हम जो विस्तार से अध्ययन जो है अपना है ना वो हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अब इन अभिक्रियाओं को हमको क्या करना है पढ़ना है टॉपिक को अलग अलग पढ़ना है, इसके बाद में हम उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट है उत्प्रेरक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक और उदासीनीकरण। अभी इसमें जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी अभी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ बनता है उसकी पीएच कितनी हो जाती है 7,
इसकी पीएच 7 से कम, इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है तो जो पदार्थ बनता है उसकी पीएच 7 से कम या 7 हो जाती है ना। अब हम पेरल के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इनका जो विस्तार, ये तो अभी नॉर्मली मैंने बताया है कि नॉर्मली विधियां किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट टॉपिक में जो वीडियो बनाएंगे इनको एक तो विस्तार से पढ़ेंगे, समझ रहे, विस्तार से पढ़ेंगे, दूसरा उसका उत्प्रेरकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं। तो हमें ये भी आना चाहिए, एक वीडियो हम बनाएंगे तत्वों का जो नॉर्मली जो तत्व होते हैं हमारे 1 से 30 तत्व, उनके बारे में कैसे हम उनको याद करें उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे जरूर। तो आप एक तो क्या करें, नॉर्मली कुछ नॉर्मल जो तत्व हैं उनके यौगिकों के नाम वगैरह अनुसूत्र वगैरह याद करने की कोशिश जरूर करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और इसमें क्या आपको कमी लग रही है, क्या आपको समझ में नहीं आया है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपकी जो भी समस्या है उसको हम जरूर दूर करेंगे, समाधान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें, टॉपिक को एक बार किताब के द्वारा जरूर पढ़ें। आगे बात समझ रहे, इसके अलावा जो भी आपकी कमी रहेगी वो अगर हमारे रेस्पॉन्स देवे आपको और आप हमको बताएंगे जरूर, तो हम उस पर भी अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके।